यदि किसी महिला का सही समय पर पीरियड नहीं आता है तो वह सबसे पहले एक प्रेगनेंसी टेस्ट कराती हैं और उसमें उसको पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है कि नहीं। यदि उसको पता चलता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो एक एक्साइटमेंट, एक एडवेंचरस से भरा सफ़र शुरू होने लगता है। उसको एक अलग फीलिंग होने लगती है, एक अलग खुशी महसूस होने लगती है प्रेगनेंसी के बाद में। लेकिन उसको प्रेगनेंसी के बाद से ही और जब तक बच्चे का जन्म नहीं हो जाता तब तक उसको कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, कई तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है और उसके दिमाग में कई तरह के सवाल चलने लगते हैं कि बच्चा ठीक तरह से होगा कि नहीं, वह ठीक तरह से विकसित है होगा कि नहीं, वह उसको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इस तरह के विचार मन में महिलाओं के आते रहते हैं। तो इसी तरह की एक ऐसे टेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी में ही उसका पता चल जाता है कि बच्चे का विकास किस तरह से हो रहा है, उसमें ऑर्गन्स में किसी तरह की कोई कमी तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसके शरीर में अंगों में किसी तरह की कोई डिफेक्ट तो नहीं है। इसी तरह की आज टेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं, इसका नाम है टारगेट स्कैन। आज हम टारगेट स्कैन टेस्ट के बारे में बात करेंगे कि ये टारगेट स्कैन जो टेस्ट होता है वो क्या होता है, ये किस तरह से किया जाता है और किस लिए किया जाता है, डॉक्टर इस टेस्ट के लिए क्यों एडवाइस करते हैं, यदि इस टेस्ट में कोई अबनॉर्मलिटी आती है तो हमें क्या करना चाहिए, इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रकाश शाक्य और आप देख रहे हैं डॉक्टर स्मार्ट हेल्थ केयर। इस टारगेट स्कैन टेस्ट को एनोमली स्कैन टेस्ट भी बोलते हैं। इस टेस्ट को कराने के लिए प्रेगनेंसी के समय महिलाओं को 18 से 22 माह के बीच में एडवाइस देते हैं, इस टेस्ट को कराया जाता है और इस स्कैन की मदद से बच्चे की शारीरिक असमानता का पता चलता है। इस स्कैन में प्रत्येक अंग प्रत्यंग और आगे का विकास अभी तक ठीक तरह से हुआ है कि नहीं, बच्चे की हार्ट बीट क्या है, इसमें प्लेसेंटा के साथ साथ फ्लूड का भी पता चलता है कि फ्लूड कितना है, फेटल मूवमेंट कैसा है, उसकी ग्रोथ कैसी है, इसमें अबनॉर्मलिटी देखी जाती है, प्रत्येक अंग की स्थिति देखी जाती है, अंदर का ऑर्गन्स का पता चलता है कि वे ठीक तरह से काम कर रहे हैं कि नहीं। इस टेस्ट में बच्चे की हड्डियों का पता चलता है कि जो बच्चे की हड्डियां हैं वे ठीक तरह से काम कर रही हैं कि नहीं, वह कहीं छोटी बड़ी तो नहीं या उनमें किसी प्रकार का डिफेक्ट तो नहीं है, उसकी जो हाथ पैरों की जो उंगलियां हैं वह ठीक हैं कि नहीं, बराबर हैं कि नहीं, कुछ ज़्यादा कम ज़्यादा तो है नहीं या कोई छोटी बड़ी तो नहीं है, इन सब का पता चलता है। इसमें बच्चे के हार्ट के बारे में पता लगाया जाता है कि बच्चे का हार्ट ठीक तरह से काम कर रहा है कि नहीं, इसमें हार्ट चैम्बर समान है कि नहीं, और इसमें ब्रेन का भी पता लगाया जाता है कि ब्रेन ठीक तरह से है काम कर रहा है कि नहीं, ब्रेन में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसमें ब्रेन के अंदर की जाँच की जाती है, इसमें ब्रेन के बाहर की जांच की जाती है, इसमें उसके फेस की स्थिति भी देखी जाती है कि फेस ठीक तरह से है कि नहीं, उसके फेस में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसकी आंखें ठीक तरह से हैं कि नहीं है, उसकी नोज ठीक तरह से है कि नहीं, कोई नोज में कोई डिफेक्ट तो नहीं है, उसके ऊपर नीचे की जो ओंठ होते हैं वो किसी तरह का कोई डिफेक्ट तो नहीं है, कोई कटे तो नहीं है, किसी प्रकार के कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो इसमें फेस की स्थिति भी देखी जाती है। इसमें स्पाइनल कॉर्ड की भी जांच की जाती है, रीढ़ की हड्डी होती है उसकी भी जांच की जाती है कि उसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बच्चे में जब बच्चे का जन्म होगा उसके बाद में उसके जो रीढ़ की हड्डी में है उसमें कोई लचक तो नहीं आएगी, ठीक तरह से बैठ पाएगा कि नहीं बैठ पाएगा, ये भी सारी जाँच की जाती है, उसमें देखा जाता है। और उसके स्टोमक की भी जांच की जाती है कि स्टोमक में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसका लीवर ठीक तरह से है कि नहीं, गॉल ब्लैडर में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसकी दोनों किडनियां ठीक तरह से काम कर रही हैं कि नहीं, उनकी जो किडनियां हैं उसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसका यूरिन फंक्शन ठीक तरह से काम कर रहा है कि नहीं, ठीक तरह से है कि नहीं, उसका जो यूरिनरी ब्लैडर जो है वो ठीक तरह से है कि नहीं, ये सारी जाँचें की जाती हैं इसमें। और
और पता चलता है कि इसके ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बाहरी जो अंग हैं उनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये सारी जांचों का इस टेस्ट में पता लगाया जाता है। और यदि इस टेस्ट में कोई अबनॉर्मलिटी आती है तो डॉक्टर कुछ और टेस्ट के भी लिए भी एडवाइस करते हैं और कंफर्म करते हैं कि और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और यदि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम निकलती है तो डॉक्टर उसके लिए पेशेंट को बताते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम है, आप क्या करवा सकते हो। और ये उन डॉक्टर और दोनों की सलाह के अनुसार ही फिर उसके बाद में काम किया जाता है। तो इस तरह से आपको यदि प्रेगनेंसी है और डॉक्टर आपके लिए एडवाइस कर रहे हैं कि आपको टारगेट स्कैन टेस्ट कराना चाहिए तो बिल्कुल आपको कराना चाहिए। इसमें बच्चे के बाहर की स्थिति का भी पता चलता है और अंदर की स्थिति की का भी पता चलता है। तो इस तरह से इस टेस्ट को कराकर आप अपने बच्चे में कोई प्रॉब्लम है उसको पता लगा सकते हैं और आपकी जो मन में जो भ्रमना है, जो टेंशन रहती है, उसको भी दूर कर सकते हैं। यदि इस टेस्ट के बारे में आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि इस टेस्ट के बारे में लोगों को भी जानकारी मिल सके। कई जो महिलाएं हैं जिनको पता नहीं है उनको भी इस टेस्ट के बारे में जानकारी मिल सके। यदि इस टेस्ट के बारे में कोई और जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट्स कर सकते हैं और कॉल मी ऐप डाउनलोड करके आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।